Hello student, today we are discuss about the decimal numbers. Student, as you can see this decimal number, यहाँ पे कुछ number before decimal write हैं और कुछ number after decimal भी write हैं. तो student हम इसे कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे. स्टूडेंट यहाँ पर जो बिफोर डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको तो सिंपल हम उसी तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये वंस, टेंस, हंड्रेड, जिस तरह से हम नंबर्स को लिखते आए हैं बिल्कुल उसी तरह से इनको काउंट किया जाता है. लेकिन जो आफ्टर डेसिमल नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं टेंथ से, मीन्स वन से स्टार्ट नहीं होते, वो टेंथ से स्टार्ट होते हैं, हंड्रेड और थाउजेंड हो जाता है. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे नंबर्स होते हैं आफ्टर डेसिमल के. तो स्टूडेंट फर्स्टली वी विल नो हाउ टू रीड एंड राइट द डेसिमल नंबर्स. सो यू कैन सी अ प्रॉब्लम हेयर, हम इसे कैसे पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट आप यहाँ पे 36 को सच एज 36 पढ़ेंगे और फॉर दिस पॉइंट ऑफ एंड लिखेंगे और आफ्टर जो बचा हुआ नंबर है उसे 5700 बोलेंगे. ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है, ये तो एक तरीका हो गया इसे पढ़ने का और लिखने का. दूसरा तरीका आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा और ईजी है. 36 और पॉइंट को हम लिख देंगे पॉइंट, और यहाँ पे क्या है 57 को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे और लिख देंगे यहाँ पे 57. ठीक है, दूसरा तरीका बहुत ही ईजी है. जैसे कि आप देख सकते हैं क्या करेंगे, 36 पॉइंट के पहले के नंबर को सच्चाई लिख देंगे 36 और इस पॉइंट के लिए पॉइंट लिखेंगे और पीछे जो भी पॉइंट के बाद जो भी नंबर होते हैं उनको सेपरेट सेपरेट करके बोलते हैं, जैसे 57 को 5 और 7 बोला गया है. नेक्स्ट देखिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा. जैसे कि ये नंबर राइट है तो इसे हम कैसे राइट करेंगे. पहला तरीका तो जो फर्स्ट तरीका होता है उसमें ये 4 हो गया पॉइंट के लिए एंड, और 603 है यहाँ पे तो लिख देंगे 603,000. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो टेंथ से स्टार्ट होती है, इसलिए टेंथ, हंड्रेड और ये थाउजेंड, तो इसलिए ये हो गया आपका 603,000. और जो इसका नेक्स्ट रूल होता है राइट करने का वो क्या होता है, 4.603. ठीक है, बहुत ही ईजी है. नेक्स्ट तरीका तो बहुत ही ईजी है, आपने इस 4 को लिखा, पॉइंट के लिए पॉइंट को लिखा और जो भी पीछे नंबर होंगे उनको सेपरेट सेपरेट एक एक नंबर राइट करेंगे. तो आपने लिखा यहाँ पे 603. क्लियर हो गया स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह से आपको नंबर्स को राइट करना होता है. स्टूडेंट जिस तरह से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं. तो जैसे इसकी प्रॉब्लम सेकंड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, राइट इन वर्ड, तो आपको सेम ऐसे ही करना है जैसे कि अभी आपने पीछे सीखा हुआ है. तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. स्टूडेंट मैं आपको इस नंबर को दोनों तरीके से लिख कर दिखाऊँगी और आपको इन दोनों तरीके से अपनी कॉपी में लिखना भी होगा. जैसे फर्स्ट रूल क्या होगा इसको राइट करने का, यहाँ पे लास्ट में क्या है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5. और 5 किस प्लेस पे है, टेंथ प्लेस पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ काउंटिंग स्टार्ट होती है टेंथ से, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 5 टेंथ. ये यहाँ पर आप चाहें तो इसे वर्ड में 5 को भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं FIV 5 10th. क्लियर हुआ, या दूसरा तरीका क्या होगा इसका. और नेक्स्ट जो रूल होगा हम लिख सकते हैं 0.5. क्लियर हुआ, ये नेक्स्ट रूल हुआ इसे राइट करने का. स्टूडेंट ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ पर इसे राइट किया है. पहले तरीके से क्या हो जाएगा 2 and 1500, और जो नेक्स्ट रूल होगा वो क्या हो जाएगा 2.15. ठीक है, नेक्स्ट रूल बहुत ही ईजी होता है, इसे बहुत ही ईजिली हम लोग राइट कर लेते हैं. क्लियर हुआ स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह से कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. स्टूडेंट ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सी, और मैं इसे बस एक ही मेथड का यूज़ करके राइट करूँगी. तो ये क्या हो जाएगा 0.681. क्लियर हुआ, बिल्कुल इसी तरह से इसे राइट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ईजी है और आसानी से हम इसे राइट कर लेते हैं. अब आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अपनी कॉपी में राइट कर सकते हैं. तो जो रेस्ट बचे हुए प्रॉब्लम्स होंगी आप उन्हें सेल्फ करेंगे.
स्टूडेंट इस तरह से इस प्रॉब्लम के जितने भी रेस्ट क्वेश्चन रह गए हैं आप उन्हें सेल्फ सॉल्व करेंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 3। यहाँ पर आपको इन नंबर्स को डेसिमल नंबर में राइट करना है, ये वर्ड में राइट है। तो जैसे फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी डन है, यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं 9.45, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9.45, ठीक है, ऐसे राइट कर देंगे इसे हम। और जो ये नेक्स्ट है यहाँ पर 15.859, तो क्या कर देंगे यहाँ पे 15.859, इसे इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट है 25.079, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ राइट कर दे रही हूँ 25.079, इस तरह से ये सोल्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट आप ये दोनों ही वर्क अपनी कॉपी और बुक दोनों ही जगह पर आपको करनी है और दोनों ही करेक्शन के लिए सेंड करनी है। बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जो अपना वर्क डेली करते हैं और फॉर द करेक्शन सेंड करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। मैं ये बात बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, स्टूडेंट आप अपना वर्क करिए, टाइम पर करिए और सेंड करिए फॉर द करेक्शन, लेकिन मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जो फॉर द करेक्शन कॉपी सेंड करते हैं।